पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट और सदर का लेने का फैसला। पीपल्स पार्टी जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली का उहदा जेरे बहस नहीं है। पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी को सदर चेयरमैन सेनेट का उहदा भी लेने की प्लानिंग कर रही है। नदीम चौधरी मजीद बताएंगे। नदीम चौधरी बताएगा, पीपल्स पार्टी की हर बदलते दिन के साथ उनकी प्लानिंग तब्दील हो रही है, अभी क्या फैसला किया गया? बिल्कुल, मौजूदा जो सूरत हाल है उस हवाले से उनकी प्लानिंग जो है तब्दील हो रही है। और पीपल्स पार्टी जराये का ये भी कहना है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को ताहाल किसी किस्म के ओहदे की पेशकश नहीं की। सदर, चेयरमैन, सेनेट, गवर्नर की पेशकश की खबरें जो हैं वो भी बेबुनियाद हैं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से ओहदे तलब नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी को नून लीग की जानिब से पेशकश का इंतजार है, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी सिर्फ सदर और चेयरमैन सेनेट के ओहदे में दिलचस्पी रखती है। सदर के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी के पास मुनासिब वोट भी मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी जराये का ये कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी को बनाया जाएगा और चेयरमैन सेनेट के लिए भी वो अपना ही उम्मीदवार लाना चाहते हैं और वो स्पीकर कौमी असेंबली के लिए किसी किस्म के ओहदे पर वो दिलचस्पी नहीं रखते। जी सही, स्पीकर के लिए दिलचस्पी नहीं। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए नितिन।